Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and let us continue our third chapter of your history book and this is the last part students which is part 3. Okay, if you have not seen my video of part 1 and 2, I'll put the description in the description box. Okay, I'll put the link there and then you can certainly see the videos of part 1 and 2. Students, today I'll explain you about how the Ryots, the farmers, started to revolt against the oppressive indigo cultivation. Okay, and we'll read from pages 35 to 37. Okay, and what all we'll read in these pages? First, we'll talk about the rebellion, which is blue rebellion. Why blue? Yes, because indigo produces the color blue and therefore the oppressive system of indigo cultivation is known as blue rebellion, okay, by Ryots. Then why, what gave them the courage? Reason to hume pata hai ek tarah se ki wo oppressive tha, but reason ki wo rebellion kar paaye, dar to rahe the, but unhe kis cheez se himmat mili to start the rebellion. Okay, we'll study that. And then we'll find out कि ब्रिटिशर्स ने क्या उस रिबेलियन को सप्रेस किया बहुत ब्रूटली, या उनको वेलकम किया, या क्या चेंजेस उन्होंने किए आफ्टर देयर रिबेलियन. ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट वील स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज हाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्लू रिबेलियन इट ऑल्सो यू नो स्टार्टेड एज वेलकम स्टेप फॉर द चंपारण सत्याग्रह. ये चंपारण सत्याग्रह जो पहला सत्याग्रह गांधी जी के आने के बाद हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़े ईजी मैनर में बड़े क्विकली हम लोग समझ जाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने मेरी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि कैसे प्लांटर्स निज कल्टिवेशन से तंग आ गए थे और इसलिए वो खुद तो प्लांटेशन कर ही रहे थे पर खुद से ज़्यादा वो ऑप्रेस कर रहे थे रियोट्स को, फार्मर्स को. ठीक है, और वो रियोट्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इंडिगो उनके लैंड को भी ख़राब कर रहा था और उनको ट्रीटमेंट भी कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं उसके बाद क्या हुआ. द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. March 1859 में बेटा thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. Refuse का मतलब क्या होता है? मना कर देना. ओके, और rebellion spread हो गया है ना, जब मना कर दिया मतलब rebel करने लगे, और जब हर जगह rebel करने लगे तो फिर result क्या हुआ? ना तो वो planters को rent pay करते थे और factories को भी उन्होंने attack करना start कर दिया. indigo factories को वो बंद करवाना चाहते थे इसलिए. ठीक है, एंड दे वर आर्म्ड विद swords, spears, bows एंड arrows. देखिए, जो भी टूल उनको मिलता था ठीक है वो सब लेकर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया. ओके, और इनफैक्ट ऑल्सो वीमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैंस, किचन इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, उनके वेपन्स क्या थे? उनके वेपन्स थे किचन के इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, किचन के टूल्स, तो उसी से उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया. और सबसे पहले उन्होंने ये क्या किया रियोट्स ने मिलके, कि जो भी प्लांटर्स के फेवर में बोलता था या काम करता था उसका बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया. सोशल बॉयकॉट मतलब कि उसको कोई भी चीज़ों का एक्सेस नहीं रहेगा, उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी. उसमें कौन लोग थे बेटा? उसमें थे सबसे पहले गोमस्थाज. देखिए, गोमस्थाज का मतलब एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स. गोमस्थाज एक मिडिल मैन होता था, एक मतलब जो प्लांटर्स और किसानों के बीच का जो एजेंट होता था. ठीक है, वो क्या करता था? वो रेंट लेने आता था और वो रेंट जाके प्लांटर्स को देता था. ठीक है, और ज़बरदस्ती करते थे इनफैक्ट उस टाइम पे. तो जब वो गोमस्थाज रेंट लेने आए उनको पीटा गया, दे वर बीटन अप. एंड रियोट्स स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलेट बाय द प्लांटर्स लठियर्स. देखो, रोड स्वोर का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने कसम खाई, स्वेयर का पास्ट फॉर्म स्वोर, कि वो अब एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि एडवांस लेते थे तो काम भी करना पड़ता था ना, जब पेमेंट ही ले लिया तो ना तो एडवांस लेंगे ना ही वो बुली होंगे. बुली मतलब उनको धमकाता था. कौन धमकाता था? लठियर्स. लठियर्स वो लोग होते थे
जो बहुत ताकतवर लोग होते थे जिन्हें स्पेशली लाठी चार्ज करने के लिए रखा हुआ था प्लांटर्स ने। सोचिए कितना ऑप्रेसिव सिस्टम। ठीक है, सो ये हमने देखा कि उन्होंने कैसे अटैक करा, ओके, मई 1859 में। बट बेटा नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाई डिड द इंडिगो प्लांटर्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। ऑप्रेस तो वो हो रहे थे, पर उन्होंने क्यों डिसाइड किया और उन्हें इतनी पावर कहाँ से मिली रिबेल करने की, है ना? आपको पता है कि आपका जो सामने वाला जो एनिमी है या जो आपके अपोजिशन में है वो पावरफुल है, तो आपको ताकत कहाँ से मिली? ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमें पता है कि इंडिगो सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव था, पर हमेशा से ऑप्रेस हो रहे लोग रिबेल नहीं कर रहे थे। वो रिबेल हमेशा नहीं होता है, कई लोग तो सहते रहते हैं, है ना? तो 1859 में ऐसा क्या हुआ बेटा? इन 1859 इंडिगो रियॉट्स फेल्ट, उन्हें लगा कि उनको सपोर्ट मिल रहा है ना। एक तो आप तंग हो किसी चीज़ से, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, जब आपको फिर आपके फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करें तो आपको और ज़्यादा पावर करेज मिलेगा, है ना, कि अपनी बात को किसी अथॉरिटी तक कहने के लिए। तो यही इनके साथ हुआ, रियॉट्स के साथ। ये सुन तो सह रहे थे पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। पर जब इनको लोकल जमींदार का सपोर्ट मिला, विलेज हेडमैन दैट इज सरपंच का सपोर्ट मिला, तो फिर उन्होंने प्लांटर्स के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट किया। और बेटा क्योंकि कई विलेजेस में हमने क्या देखा था, रेवत वाले सिस्टम में जो सरपंच होता था उसको भी फोर्स किया जाता था कि वो साइन करे इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स पे, है ना? और इस वजह से वो विलेज हेडमैन भी लठियाल्स के साथ उसके कंडीशन ख़राब होती जा रही थी रिलेशनशिप, और इस वजह से जमींदार भी विलेज टू विलेज गए। जमींदार जिनके लैंड पे इंडिगो प्लांटेशन हो रही थी, पर जमींदार का लैंड बेटा प्लांटर्स ने ले रखा था, ठीक है ना, उस पे लीज पे लिया हुआ था। तो जमींदार भी खुश नहीं थे, उनकी ज़मीन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए जमींदार ने रियॉट्स को, मतलब पेजेंट्स को, अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि अब आप प्लांटर्स से दूरी बनाइए। रेजिस्ट द प्लांटर्स का मतलब होता है टू स्टे अवे, ओके। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ द प्लांटर्स, है ना? जमींदार क्यों नाखुश थे? क्योंकि प्लांटर्स तो पैसे वाले और पावरफुल होते जा रहे थे, और इसलिए भी क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था, जमींदार्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन लीज पर प्लांटर्स को दें। लीज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमें दे दो इतने साल की, और ये लीज जो होती है 100 100 सालों की भी हो जाती है, ठीक है? तो ऐसी इतने उससे तो उनकी ज़मीन ख़राब ही हो जानी थी, ठीक है, जमींदार्स की। तो इसलिए जमींदार्स ने, विलेज हेडमैन ने सपोर्ट किया। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू दैट हाउ द इंडिगो पेजेंट्स डिसाइड और व्हाट गेव द पावर टू द रियॉट्स टू रीबेल, तो आंसर क्या होगा? इट वॉज विद द सपोर्ट ऑफ द विलेज हेडमैन एंड द जमींदार्स दैट रियॉट्स कुड स्टार्ट आ रिबेलियन, ठीक है? अब बेटा एक चीज़ और लगती थी, जमींदार और उसका तो हेल्प मिल ही रही थी इन्हें विलेज हेडमैन की, पर इंडिगो पेजेंट्स को ये भी लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगी, है ना? प्लांटर्स कौन थे? देखिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्लांटर्स वो लोग थे जो ब्रिटेन से आए थे, जो कि अच्छे घराने से या रिच उसको बिलोंग करते थे, ठीक है? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो नहीं थे, बट हाँ वो ब्रिटिशर्स ज़रूर थे। और यहाँ पे लोगों को लगने लगा था बंगाल वगैरह में कि ब्रिटिश हेल्प करेगी हमारी, ठीक है? एक्चुअली उन्हें क्यों लगा था? क्योंकि रिवोल्ट जब हुआ था 1857 का बेटा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी चिंता में आ गई थी कि लोग अब हमारा रिबेलियन इतना करने लगे हैं, तो कहीं और कोई मेजर लेवल का फिर से कोई मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो जब इंडिगो रिवोल्ट की बात सामने आई ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था बेटा, ये मत सोचना कि ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो जब ये बंगाल में स्टार्ट हुआ रिबेलियन, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरे एरिया में गया 1859 के विंटर्स में। और जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गांव में आया, तो रॉट्स को लगा कि ये हमारे, यू नो, हमारी सिंपैथी दिखाने आए और ये हमारे साथ हैं, ठीक है? जबकि वो ये देखने गया था लोगों का मूड कैसा है, वो रिबेल के मूड में है या नहीं, ठीक है? 12 साथ एक जगह है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट था एशली एडन, ओके। उसने एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने लिखा कि रियॉट्स को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है? और ये न्यूज़ फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने कहा है कि अब इंडिगो सो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो एक्चुअली
ये क्या करना चाह रहे थे, एशले ईडन जो मैजिस्ट्रेट था वो देखना चाह रहा था कि लोग उनके खिलाफ हैं या नहीं। जबकि ये एक स्ट्रैटेजी थी ईडन की, ही वाज ट्राइंग टू प्लेकेट द पेजेंट्स, प्लेकेट द पेजेंट्स मीन वो उनको शांत कराना चाह रहे थे कि हमारे सामने कोई एक्सप्लोसिव ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि लोग सड़कों पे आके रिवोल्ट स्टार्ट कर दें। इसलिए उसने थोड़ा सा ऐसी अफवाह फैलाई और थोड़ा सा दिखाना चाहा कि हाँ, जैसे आजकल के टाइम में गवर्नमेंट्स नहीं करती कि हाँ, आपकी सब मांगे मान ली जाएंगी, किस लिए कि लोगों का गुस्सा कम कराएं, अगर नो कह देंगे तो लोग और तोड़ फोड़ करेंगे। तो ये टैक्टिक थी, एक तरीका था लोगों को क्लेवरली थोड़ा शांत करने के लिए, ठीक है। और लोगों को तो वो शांत करना चाह रहा था, पर लोग और ज़्यादा एग्रीवेट हो गए, उन्हें लगा कि हमारे साथ है ब्रिटिशर्स तो चलो हम रिवोल्ट करते हैं और प्लांटर्स के खिलाफ हो जाते हैं। और जैसे जैसे रिबेलियन स्प्रेड हो रहा था बेटा, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकटा रस्ट टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। इंटेलेक्चुअल कौन होता है, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनल्स बहुत ही ज़्यादा जो बुद्धिजीवी होते हैं वो, ठीक है। तो कैलकटा से स्पेशली जहाँ जहाँ इंडिगो प्लांट हो रही थी वहाँ गए और उन्होंने रेवाज की बुरी जो कंडीशन थी उसके बारे में लिखा, टिरनी ऑफ प्लांटर्स के बारे में। टिरनी क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रूल जो बहुत ही ऑप्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग। तो प्लांटर्स का वो रूल बहुत डोमिनेटिंग था, उसके बारे में लिखा गया। एंड अबाउट द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, हॉरर्स मतलब कितना डरावना वो ऑप्रेसिव सिस्टम था, है ना बेटा। देखिए, पैसे दे दिए जाते थे एडवांस में और काम उससे ट्रिपल लिया जाता था, कोई उनके राइट्स पे कोई ध्यान नहीं देता था, दैट इज़ वाई, ठीक है, बहुत ही ख़राब सिस्टम था। नाउ वरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। अब गवर्नमेंट को डर लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं रिवॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री को बुलाया प्लांटर्स को बचाने के लिए, कि प्लांटर्स को ही ना मार मार के वो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दें, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या करा। टू स्टेप्स, फर्स्ट इज दे ब्रॉट द मिलिट्री, ठीक है, ये फर्स्ट है। एंड सेकंड क्या है बेटा, दे सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। दैट मींस उन्होंने ये दो स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने, ये देखा कि एक तो मिलिट्री बुला ली, प्लांटर्स को प्रोटेक्ट कर दिया, और एक कमीशन, जैसे मंडल कमीशन हमारे यहाँ फॉर्म हुआ था बाद में, तो एक इंडिगो कमीशन नाम से एक इंक्वायरी बिठाई, ठीक है। कमीशन मतलब वो बॉडी ऑफ लोग जो कि देखेंगे कि क्या हुआ था, गलत हुआ था या नहीं हुआ था। तो कमीशन उन्होंने सेटअप करा और कमीशन की रिपोर्ट में ये पाया गया कि प्लांटर्स वर रॉन्ग, द प्लांटर्स वर गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोअर्सिव मेथड्स दे यूज विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। आप सोच सकते हो कि उनको कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता था बेटा, लठियाल्स रखे हुए थे रिवॉर्ड्स के लिए, स्पेशल लाठी मारने वाले लोग, है ना, कि काम ना करे तो इनको पीटो। तो देखिए आप, प्लांटर्स कितना इनह्यूमन बिहेव कर रहे थे विद द रिवॉर्ड्स। और ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन से रिवॉर्ड्स का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन जस्टिस उनको मिला और कमीशन ने रिवॉर्ड्स को बोला कि अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसको तो आप पूरा करो, पर हाँ, आगे से आप पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी टू प्रोड्यूस इंडिगो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थैंकफुली ब्रिटिशर्स ने बंगाल एरिया के जो रिवॉर्ड्स थे, सिर्फ ध्यान रखना ये ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है बेटा, दिस रिबेलियन, ब्लू रिबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल, ओके। सो थोड़ी सी कंडीशन वहाँ बेटर हुई। और देखिए क्या लिखा है सोर्स 3 में, आई वुड रादर बैग देन सो इंडिगो, ओके। तो इतनी खराब हालत थी कि लोगों ने क्या कहा रिवॉर्ड्स ने, कि हम बैग कर लेंगे पर इंडिगो प्लांट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैगिंग से भी बुरी हालत उनकी हो जाती थी, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू आवर लास्ट पेज ऑफ चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। कोलैप्स का मतलब होता है कम्प्लीटली फिनिश हो जाना, ठीक है, तो या बिल्कुल ही मिनिमम रह जाना, ठीक है। तो बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, है ना, बंगाल के पास ही बिहार, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको बिगनिंग में, ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ अच्छी गर्म जगहों पे ही ये इंडिगो क्रॉप अच्छी होती है। तो फिर बेटा बिहार में शिफ्ट तो कर लिया प्लांटर्स ने अपना ऑपरेशन, और उनका बिजनेस धीरे धीरे अफेक्ट होने लगा। क्यों,
क्योंकि कोई ना कोई ऑल्टरनेट मिल गया था वर्ल्ड मार्केट में सिंथेटिक डाइज का, सिर्फ इंडिगो पे डिपेंड नहीं रहे थे, है ना। टेक्नोलॉजी के साथ साथ डाइज में भी बहुत ऑल्टरनेटिव मिल चुके थे, ठीक है। तो बहुत पहले जैसी डिमांड तो नहीं रही थी अब इंडिगो की, बट फिर भी अच्छा खासा प्रोडक्शन चल रहा था इंडिया में। और गांधी जी बेटा जब वापस आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो एक पेजेंट बिहार से उनको लेके गया चंपारण, ठीक है, और उन्हें दिखाया कि देखो इंडिगो कल्टीवेटर्स कितने बुरे हालातों में काम करते हैं। और महात्मा गांधी जी का जो विजिट था ये 1917 का, इससे बिगनिंग हुई चंपारण मूवमेंट, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, ओके। क्या चीज़ें हैं ये, दैट हाउ द सत्याग्रह स्टार्टेड, और सत्याग्रह की बिगनिंग क्या थी। सत्याग्रह की बिगनिंग थी बेटा द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम, ओके। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जिससे हमें अल्टीमेटली फ्रीडम मिला है 1947, ठीक है। तो ये एंड है ऑल दो इस चैप्टर का, बट ये एक बिगनिंग थी फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, ओके, फ्रॉम द कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने देखा रूलिंग द कंट्री साइड, दैट हाउ द प्लांटर्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स समहाउ, है ना। ब्रिटिशर्स ने ही तो कोशिश करी, पहले सेटलमेंट टैक्स बढ़ाया, ये सब किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर प्लांटर्स को वो छूट दे रहे थे, तो इस वजह से ऑपरेशन कितना हुआ बेटा ये हमने देखा। अब आप एक्सरसाइज करेंगे खुद से, और कोई भी लिटिल डाउट है आपको, आप प्लीज़ लेट मी नो विदाउट हेजिटेटिंग, एंड रीड द चैप्टर वंस अगेन, एंड स्टे सेफ।